तुम्हें हम बांदर जैसे नचा भी सकते हैं। है? हाँ। बंदर है हम। और क्या? सारा लगता ही बंदर जैसा है सारा, ये दुम्मा भेड़ा भाई हमको बंदर कहते हैं तो बंदर यही कहता पू। कुछ नहीं। अरे कुछ तो, आज हमें बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। हे सैया मत जा तू सोते दलानी में, सैया मत जा मत जा तू सूते दलानी में, अगिया लागल बा हमारी जवानी में, अगिया लागल बा हमारी जवानी सूते दलानी में, अगिया लागल बा हमारी। क्या कहूँ बेटा कुछ है कहा जाता नहीं, ताक है लग गया आपके दान से, अपनी है देखा तुम, मैंने आंखों से अपनी है देखा तुम, पवन करती रही इश्क है राज से, छोकरे से ए बिटिया बबली ये बबली वो उससे प्यार करती है। मैं अजनबी लड़की से प्यार करती है। हाँ वही तो, खड़े हो जाओ। पता नहीं कहाँ का रहने वाला, कौन है, कौन सी जात का है, कौन बिरादरी का है, कोई पता नहीं। ये बात तो करने दो, मुझे तो रोना आता है। और मैंने जान जब रोका इसे होका इसे तो देखते हो मेरे हाथों में हथकड़ी बांधकर घसीटते हुए गांठ कट गई है, देखते नहीं हो, लंगड़ा तो है, खुद ही लंगड़ा और हो गया हूँ, घसीटते हुए ले आया भाई। देखो देखो बेटा मांस आपको हंसी आ रही है, हमारा दिल रो रहा है, आपके मान सम्मान में दाग लग रहा है, दाग। हमें बात करने का मौका दो, हथकड़ी खोल दो बेटवा, हथकड़ी खोल दूँ। हाँ खड़े हो जा, खोल देंगे, और पीछे तो बबली। हाँ भैया, तो कह रही थी कि राज जेल में है। हाँ। और प्यार किससे करती है? मैं राज से ही प्यार करती हूँ। भैया भैया बेटा ऐसे नहीं, बोले मेरी खोल तो तुम, मैं बताऊं कैसे मारा।
हाँ मारो मारो भैया, तेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहती? जिस राज की बात कहते हैं ये वही राज है। राज वही है? हाँ भैया, ये वही राज है जिससे तू प्यार करती है। हाँ, इन्हें जेल में थे, इन्हें को छुड़ाने आप जेल गए थे। और ये तो कहता है कोई अजनबी लड़का है ये? नहीं भैया, वो नीच तो खुद मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। अगर राज ना जाता तो ये कमीना ना जाने मेरे साथ क्या करता। हाँ भैया, मैं सच बता रही हूँ। क्यों बबली, ये तो तुझे बेटी कह रहा है। अरे भैया, क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं झूठ बोलती हूँ। एक मिनट इससे बात करने दो। राज यार, मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती क्षमा कर दे यार। राजू, जिसका जितना लिखा रहता है उसको तो कोई ना टाल सकता है। और फिर हमने इन्हें कुछ नहीं कहा। अरे तू कह रहा था, ये कह रहा था, ये कह रहा था ना। अरे इतनी घिनौरी हरकत कर रहा था, देखो इसकी पेटी जैसी है लगती है। ठीक है भैया, ठीक है, झुटैया तो चलेगी भी गई और जितने बाल उग रहे हैं वो भी चले जाएंगे। ये भी साले बनवा देंगे हम। तुम जा रहे हैं भैया? सुन दरे साले, इधर को मेरी बहनी के साथ क्या कर रहा था? अभी तो कह रहा था हम बिटिया मानते साले। क्या मानेगा? क्यों रे गंजे, प्यार नहीं करेगा? प्यार नहीं करेगा? नहीं, सब उतर गए। उतर गए? अच्छा, बहुत जल्द बताओ। हराम है या नहीं प्यार करेगा? नहर के प्रभाव में करेगा, खत्म हो गया। खैराना में करेगा साले, कहां करेगा? नहीं नाम तो ऐसे नहीं। गंजा कहीं मैंने बता दूं, रुक जाओ, खड़ा हो जाओ। ये बताए कि हमारी बहन को किसने मारा था? क्या हमारी बहन को किसने मारा है? तेरी बहन को? हाँ, तेरी माँ ने, तेरी माँ ने। हाँ बेटा, तेरी माँ ने, तेरी माँ ने। हाँ, इतनी गलती हम लोग। मेरी माँ? हाँ हाँ भाई, झूठ बोलते हो तुम। बेटा तुम्हारे कसम, छठैया तुम आप ये छठैया की कसम खा के बैठा। कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? अचानक हम उसी रास्ते से जा रहे थे। अच्छा? हाँ, तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ ऐसा घटपीट कर रही है। वो खिड़की बाहर वाली आपके आंगन की जो तरफ जो है, दिखता नहीं है बाहर को, इससे देखा था मैंने। हाँ बेटा तेरी कसम। किसने इसकी इज्जत लूटा? इज्जत किसने उसकी लूट ली? इज्जत? हाँ भाई, ये तुम नहीं जानते। इस इलाके में जितने देवी देवतान हो सबकी कहो हम कसम खा ले, ये बात हम नहीं जानते। अच्छा, तू नहीं जानता? ये कसम जानते ही नहीं भाई। नहीं जानता, चला। जानते हैं भैया। अरे तो हम ही थोड़ी थे। कौन था? कौन था? बड़े ठाकुर भी थे, वो धर्मपलवा, धर्मपाल भाई। और सबसे तो कमी आपकी अम्मा की है। अब बेटा आप कहेंगे तो आप नाराज हो गए, वही हाल था तुम्हारी अम्मा की। एक बिल में दो मुसरी आम जाए वो सरी वो सरी।
एक मिनट बेटा, देखो तुम्हारे पढ़ने का खर्च, तुम्हारे फीस का खर्च, तुम्हारी बहन के पहले फीस का खर्च सब हम ही लोग देते थे तुम्हारी अम्मा को, समझ गए? और तुम्हारी अम्मा हमारी रखेल थी, तुम्हारी कसम गंगा जी। लेकिन तुम लोग हमारी बहन की इज्जत लूट कर और उसे क्यों मार डाला? ये तो ठाकुर जी अपनी अम्मा से पूछो। ले चलो हम खुले शब्दों में तुम्हारी, चल उन सबों के सामने ले चलूंगा तुझे। अरे इस वक्त तुम्हारी अम्मा जानती हो हमको छोड़कर ठाकुर के पास है, उनको पटा लिया है। तेरी अम्मा को मांगा साले। तेरी मौसी अम्मा तो चली गई ऊपर, मौसी है बेटा तुम्हारे लाए, खाला है सर, तुम्हारे लाए लगाए मुंह बताओ उठाए लाई। ले चलो बेटा, ले चलो, ले चलो इसे, ले चलो। नहीं बात को कभी नहाएंगे ताल में। गहरी नींद में मत जगाया करो यार, तकलीफ होती है ना उठने में। इधर आ। आज हमारा मन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कोई देख तो नहीं ना? मेरा आज मन कह रहा है। क्या कह रहा है बोलिए ना। बताऊं? चहलाक तूफा आए मन भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, जुदा जुदा आकसम तो फिर आ गया मरवाने। ये चपर मुंडा यहाँ फिर आ गए, फिर मरवाने आ गया। ठाकुर हम मरवाने नहीं आए हैं, अब कोई तुम्हारी मारने आया है। देख लो अपनी अम्मा को कैसे मार मंगवा रही है। करे बलवा, ए बलवा किधर आ? कहिए, लेकर मुझे धमकाना चाहता है तो क्या समझता है? शायद तू नहीं जानता है, अब तेरी मौत चक्कर लगाना शुरू करती है। तो नहीं जानता, चल मिलने के लिए मेहमान है तू। शेर के गुफा में आने से पहले बरखोदार सोच लेना चाहिए। शेर तो तू नहीं, समझ में आता है गीदड़ है। गीदड़ है? इधर जैसे काम करता है। ए राधा, क्या है? इधर आओ। क्या बात है? ये ससुरा बोलता तुम गीदड़ हो, ये तुम्हारा ही लौंडा है जिससे कह रही थी सौतेला मेरा बेटा है। हाँ। अगर ये जीवित रहेगा तो सारा राज खुल जाएगा।
हाँ ये बात तो सही है बेटा, इसलिए से मारना बहुत जरूरी होगा। एक बात बताओ, मार दो। वो जो रिवाल्वर लिया है ना, इसमें की गोलियां मैंने निकाली है, मेरे पास थी। जब तुम्हारी माँ के पास गया तो हमको ये साला डांट के वहाँ से भगा दिया, तो ये रिवाल्वर ले लिया है। वो रिवाल्वर की गोली मैंने निकाल लिया है, हाथ डाकर देख लो, निकाल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, थीक है। ये क्या हो गया? अरे तू यार मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। अरे इस एहसान का बदला तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। कहाँ गया हरिलाल? कहाँ गया ये? इसे जाने मत देना। अरे कहाँ गया बोलता? वही ठाकुर कहाँ गया? भैया कुछ देर आराम कर लो, बहुत थक गए हो। इस लकड़ी के खूंट पे बैठ जाओ। नहीं बैठ कर तू खड़ा हो। हमारे दोस्त को गोली मार दिया है, वो हमारी जान से ज्यादा हमें। अरे तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो? उसके पीछे पड़ो ना। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोगों ने मिलकर हमारी बहन को मारा है और हमारे बाबूजी को मारा है। अरे मारे हम तुम्हारे सौतेले बेटी को, वो हमारे ससुर हमारा दामाद मर गया। अरे अब क्या करें? तुम तो बहुत पापी हो, अपने दामाद को ही मार। अच्छा बिटवा, अब हमारे कोनो काम ना ही ना, अब हम जा सकी थे ना। बेटा बेटा सुनी, हम हमारी कोई गलती नहीं है बिटवा। किसने हमारी बहन को किसने मारा है? कौन मारा है? ये बलवा बलवा बलवा। अरे जैसे हम लोगों से पूछ लो, अपनी अम्मा से भी पूछ लो ना। एक बार पूछ लो बेटा, पूछ लो। देखो देखो बेटवा, इधर आओ। देखो देखो बेटवा,
हम लोग कुछ किए नहीं हैं। हाँ किए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने करवा रही थी तो हम लोग कर रहे थे। आना बलवा, अब हम करेंगे, तुम करवाओगे। बेटवा देख रहे हो तुम्हारी अम्मा का चूतक ठाकुर सहला रहा है। हाँ। अरे बेटवा तुम्हार अम्मा इन हमका मारो ना हमका वो पे मैके में मारी नहीं गए। मान तो रहा था तुझे माँ मैं, लेकिन तुझे माँ कहने में मुझे शर्म आती है। कौन गलती कह डरा पुतवा, माफ कह दियो हमका। कौन तुझको माँ कहेगा? अरे नहीं कौन तुझको माँ कहेगा, माँ के तू काबिल। गल पल के दसी लिया ना, गल पल के दसी लिया, माँ की ममता है। रात में खूब छीन रही कर रहे हैं। आडर 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 आडर, मैं जानता हूं कि तुम लोग कहे मेरा खुशहाल सेवरान भाई, पिछली पंचवर्षी में कलोली थे पास करवा दिए हो ना, इसीलिए खुश हैं। वही तो, और कुछ लोग नाराज भी हैं। देखो ठाकुर, हमारी तुम्हारी दोस्ती दोस्ती ही रहे, दुश्मनी कोई बात नहीं। चलो एक ये कलोनिया दोनों आदमी मिला के और दे देते हैं। अच्छा तो कुछ लोगों से कह दे कि जूता के माला पहना दे तुम लोगों को। क्यों तो, अरे कलोनी दे रहे हो ना। हाँ? चलो अगर ये बात है तो हाथ जोड़कर सब लोगों से माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। माफी कौन ने बात की भैया, कौन उनके साथ हम गलती करें? अच्छा, कहा उन्होंने घर में हमारे साथ तुमने गलती किया है? तो कहा उन्होंने घर में करे हम कहा नहीं भैया, तो तुम हमारे घर पे हो तो इनका इनको क्यों? हाँ, लेकिन सब लोगों से माफी मांगे पड़ेगी। कहे के लिए मांग ले बलवा, मांग ले नीचे करके मांग ले। अरे सारे दोखी, अब उतार दे कंठी माला, नहीं अब उतार एका हम पहना लंबा दार, एका उतार दियो, पालिश खत्म हो गए, पालिश चाहे हुआ लावा जाए।
जैसा किया हो तूने वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया हो का बदला बदला तुझको मौत ऐसी ऐसी पानी नहीं मिलेगा, करते खड़े हैं प्यार नहीं करते, ये संघात ही भैया इन लाशों को क्या किया जाए, मरे हैं लेकिन खड़े हैं, ऐसा करो यहीं पर कफन दफन कर दो, इतने लोग हैं भैया भैया कफन दफन ना करो, नहीं गोली के मारे से मरे हैं भूते परे शैतान हुई है। अरे ऐसा कर लो एक एक मुठा माटी तो जलवा ही नहीं लोगों के ऊपर माटी, और क्या, लेकिन जब खड़े हैं तो माटी लोग कैसे देंगे। हाँ हाँ देखो ए बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि इनको तो ना कोई जला सकता है यहाँ पर, ना कोई गंगा घाट ले जा सकता है, यहाँ से पैरा माटी अद्धा गुम्मा जोन मिले बहा बहा मार। डब्लू क्या बात है, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना राजू के साथ। हाँ हो गई थी, तुम उससे भैया कह रहे थे। हाँ क्यों, क्योंकि वो नहीं मुझे अपनी बहन मान ली थी, इसलिए मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं राज से प्यार करती हूँ। हाँ ठीक क्या तुम किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहिए, सच है, चलो चलते हैं। दर्द दिल
जा देगा आग इस